मुंबई में प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान से लाखों की सैलरी वाली नौकरी छोड़कर प्रत्याशी रूपम झा बिहार पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। रूपम झा ने मुंबई के प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई को पूरा किया और वहीं पर बड़े मीडिया हाउस में नौकरी करने लगी। 20 लाख के पैकेज की नौकरी छोड़कर बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन कर गांव वालों को उन्होंने चौंका दिया है। गांव वालों को विकास का असल मकसद समझा रही हैं। मैंने चैनपुर को देखते हुए, चैनपुर के लिए जब मैंने अपने जॉब को छोड़ा तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने ये अर्न किया अपने आप से और आज मैं इस चीज़ को छोड़ गई। तो मैंने अपना सैलरी, अपना लाइफ स्टाइल, अपना रहन सहन सब चीज़ छोड़ दिया सिर्फ चैनपुर के लिए। अभी मेरा उद्देश्य भी यही है, मेरा एम भी यही है, मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं चैनपुर में सच में लोगों के दिल में वो चैन जगा सकूं, वो शांति दिखा सकूं। रूपम झा का कहना है कि आप अकेले 10 से 20 लोगों का भला कर सकते हैं, जबकि मास स्तर पर कार्य करने के लिए आपको पावर चाहिए ताकि आपके फैसले को कोई रोक ना सके। जहां महिला मुखिया सिर्फ कागज पर रहती हैं और उसकी जगह उसका पति ही काम करता है, वहीं यहां लोग मुझे मेरे पति के नाम से नहीं बल्कि रूपम झा के नाम से जानते हैं। मुखिया बनने का डिसीजन भी ये इतना स्ट्रांग इसलिए आ गया क्योंकि मैं अपने पॉकेट से 10 लोगों का भला कर सकती हूँ, 15 लोगों का भला कर सकती हूँ, 20 लोगों का भला कर सकती हूँ। लेकिन जब मास की बात आ जाती है तब आपको वो पावर चाहिए, वो पोजीशन चाहिए ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई रोक ना सके। रूपम झा ग्रामीणों के बीच जनसंपर्क कर रही हैं। इस दौरान वो लोगों को अपने अधिकार, जीवन शैली में सुधार और आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बने इसका गूढ़ ज्ञान भी दे रही हैं। ईटीवी भारत के लिए सहरसा से नीरज कुमार की रिपोर्ट।